वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मेरा नाम है सनी, आप देख रहे हैं द फ्लाई बाइकर। तो दोस्तों फाइनली जो है अपना आज जो है हम यहाँ पर अपनी यामा एफजी को जो है अपने जो कुछ इसमें पेंडिंग काम जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कुछ उसके लिए मैंने सामान जो है वो मंगा दिया है। फाइनली मंगाया नहीं बल्कि यामा के यहीं नियर बाई स्टोर से ख़रीदा है। तो कुछ स्पेयर पार्ट्स है जो कि बाइक में आज इंस्टॉल होने वाले हैं, तो आज इंस्टॉलेशन की वीडियो भी रहेगी और साथ में कुछ छोटे मोटे काम है जैसे कि हैंडल में थोड़ा सा भी इशू है वो भी हमें रिजॉल्व करवाना है और क्लच में भी थोड़ा सा मुझे कल से कुछ इशू महसूस हो रहा है वो भी रिजॉल्व करवाएंगे आज। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको सामान दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है बाइक के लिए, उसके बाद चलते हैं मैकेनिक के पास और वहीं पर करवाते हैं बाइक में फिटिंग सभी सामान की। सो लेट्स गो। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको यामा का बिल भी मिल जाएगा, ठीक है। ये यामा के ऑथराइज सर्विस सेंटर से लिए गए पार्ट्स हैं और बिल जो है लगभग 1640 रुपये का है। तो इसमें एक आइटम जो है वो मैंने बाहर से ख़रीद ली थी और वो है ये जो आपको देख रहे हैं कि ये अलग से एक नॉर्मल लिफाफे में। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो ये असल में जो है ये है बाइक की जाली जिसको कहते हैं जो फ्रंट में लगी रहती है, ठीक है। तो ये रही हमारी जाली, ठीक है। तो ये जाली जो ये फ्रंट में लगेगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पार्ट कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल होने हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी जाली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ये जो कि है तो इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये फ्रंट का पार्ट है, ये लाइट का जो पोर्शन रहता है इसको कहते हैं हम लाइट स्टे, यानी कि लाइट को जो सपोर्ट करके रखती है, जो फ्रंट का हमारा जो भी लाइट के रिलेटेड जो भी सिस्टम रहता है वो सब इसके अंदर फिटेड रहता है, ठीक है। तो ये अभी लाइट स्टे। और फाइनली जो लास्ट वाला पार्ट है जो कि इस बॉक्स का होने का रीज़न भी वही है, वो है ये। तो देखिएगा इस फाइनली जो है ये आ चुकी है हमारे पास एफजी की साइड टैंक कवर एकदम प्रीमियम ब्लैक में। हाँ लेकिन इसके जो ग्राफिक्स है आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो ग्राफिक्स है वो मेरी नॉर्मल वाली एफजी में नहीं थे, लेकिन हाँ फिटिंग जो है ये सेम ही रहने वाली है। तो ग्राफिक का देखते हैं क्या करना है, या तो ग्राफिक हटा देंगे या तो कोशिश करेंगे उसमें भी अगर किसी तरीके के इस तरीके से ग्राफिक इंस्टॉल हो जाए तो चलिए चलते हैं एक बार बाइक के पास, आपको बाइक में भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये सब चीज़ें फिट होने वाली है। दोस्तों तो ये रही बाइक अपनी और सबसे मेन पार्ट जो इसका चेंज होने वाला है वो है ये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बाइक में जो इसका साइड पैनल है टैंक का वो टूट चुका है और ये होने वाला है चेंज। और उसके बाद जाली की बात करें तो ये नीचे की ओर देखिए आपको जाली दिख रही होगी जो कि सिर्फ आधे ही पोर्शन में है, उस वाली साइड जो है जाली नहीं है। और जाली ना होने की वजह से प्रॉब्लम जो आ रही है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जाली ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी बाइक थोड़ी तेज़ चल रही तो ये पैनल आप देखिए ये हिल रहा है और ये थोड़ी सी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है बाइक के अंदर, ठीक है। तो अभी जाली लग जाएगी तो ये इशू भी जो है फिक्स हो जाएगा। और जो लास्ट चीज़ है वो है ये, आप हेडलाइट देखेंगे तो हेडलाइट के बीच में देखिए साइड से आपको गैप नज़र आ रहा होगा, ये जो कि ये वाली जो लाइन है ये, तो जो हेडलाइट की स्टे है अंदर की वो टूटी हुई है तो ये स्टे भी चेंज हो जाएगी और फाइनली जो है ये इसके इशू जो है रिजॉल्व हो जाएंगे। और हैंडल में भी थोड़ा सा इशू है वो भी फिक्स करवा लेंगे आज। और थोड़ा सा क्लच में जैसा कि जो मुझे कल से महसूस हो रहा है थोड़ा सा क्लच जो है स्लिपरी सा हो चुका है तो वो भी अभी फिक्स करवा लेते हैं। चलिए चलते हैं मैकेनिक के पास और करवाते हैं फिक्स इसको। तो गाइस जा चुका हूँ अभी मैकेनिक के पास, लोकल मैकेनिक से ही हम सामान लगवाएंगे ताकि थोड़ा जीएसटी और लेबर चार्ज हम बचा सके, वरना कंपनी में जाके तो आपको पता ही है कितना लेबर चार्ज और जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले फिट कर रहे हैं जाली, यहाँ पे भैया ने जाली जो है यहाँ पे फिट कर दी है और अब यहाँ पे करेंगे साइड का जो टैंक पैनल है उसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर जो है हो रही है। और अब आ चुके हैं हम इसके फाइनली जो है इसकी हेड की जो स्टे है यानी लाइट की स्टे उसे फिट करने में, जो कि काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर हमारे लोकल मैकेनिक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पर, अपना पूरा हुनर और पूरा एक्सपीरियंस झोंक कर इन्होंने इस जो हेड सॉरी लाइट की जो स्टे थी उसे फाइनली फिट कर ही दिया, और फिटिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई थी। ये यहाँ पर कुछ फाइनल टचेस देते हुए फाइनली यहाँ पर फिक्स करते हुए लाइट को। और उसी बीच क्लच और चेन सेट का काम होने के बाद यहाँ पर फाइनली हैंडल के ऊपर जो है टचेस होते हुए, क्योंकि हैंडल का जो थोड़ा सा इशू था, जो असल में हैंडल टेढ़ा नहीं था बल्कि हैंडल जो है वो काफ़ी टाइट हो गया था, तो इसे थोड़ा सा लूज़ किया मैकेनिक ने और फिर मैंने टेस्ट ड्राइव ली और स्मूथ चल रही थी गाड़ी। और वहीं पर मैकेनिक से फ्री होने के बाद मैं चल दिया अपने जेब में बचे हुए कुछ और पैसे उड़ाने अपनी बाइक पर, और मैं ले आया फाइनली बाइक को वॉशिंग के लिए। तो जब से बाइक ली है तो पहली बार यहाँ पर मैंने बाइक को वॉश भी करवा लिया, वॉश करने के बाद क्लीनिंग करवाई, और क्लीनिंग करने के बाद भी मन नहीं भरा तो चल पड़ा मैं अपनी जेब में बचे हुए थोड़े और पैसे खर्च करने। और इन पैसों को खर्च करने के लिए मैं आ गया भैया के पास स्ट्रिपिंग करवाने के लिए। टायर्स के बीच में स्ट्रिप लगवाई, कुछ अपना दिमाग लगा के थोड़ा ग्राफिक्स भी ऐड करने की कोशिश की, एक थीम देने की कोशिश की यहाँ पर। और 2200 रुपये खर्चने के बाद अपने जेब से ये रहे कुछ फाइनल लुक्स, टायरों के बीच में स्ट्रिप्स, नया टैंक साइड कवर, उसके बाद नई जाली, नई हेड स्टे। वैसे देखने में तो लग नहीं रहा कि बाइक में कुछ कराया है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें 2500 रुपया जो है आज की डेट में खर्च हो चुका है। तो गाइस फाइनली जो है सारा काम ख़त्म करके आ चुका हूं मैं बाइक का अपनी, और जैसे कि आप देखेंगे टैंक यहाँ पर नया डल चुका है, और नीचे की जो जाली थी वो भी नहीं डलवा दी हमने, और साथ ही साथ में हेडलाइट में जो है प्रॉब्लम थी, यानी कि जो गैप आ रहा था वो अब नहीं है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, तो अभी फुल तरीके से जो है इंटैक्ट हो गई है बाइक, फ्रंट से भी साइड से भी, और थोड़े से यहाँ पे ग्राफिक्स करवा दिए हमने टायर्स के बीच में, लेकिन जो चीज़ सोची थी वो नहीं हो पाई क्योंकि प्लान तो मेरा रेड कलर का था लेकिन रेड कलर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे यहाँ पर वाइट करवाना पड़ा। और वाइट में थोड़ा सा मैंने अपना एक ये जैसा कि आप देख रहे हैं आधी आधी करके लगाई हुई है, फुल नहीं है ये भी, एक मैंने थोड़ा सा इसमें जो हाईलाइट दिया है। तो ये हैं कुछ लुक्स बाइक के। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट नाउ, वी आर गुड टू गो। तो दोस्तों ये था आज पूरे दिन का सीन, जैसा कि आपने देखा सभी काम मैं करवा चुका हूँ, फाइनली जो है बाइक जो है रेडी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा काम अभी बाकी है जो कि मैं खुद करने वाला हूँ, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ में उसका माइलेज टेस्ट है वो भी गोइंग ऑन है, पेट्रोल जो लगभग ख़त्म होने ही वाला है, तो उसका भी एक अलग वीडियो जो है मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाने का, पॉसिबली आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तो बाकी के सारे के जो काम थे बाइक के अंदर वो सारे हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप व्लॉग इन्जॉय कर रहे होगे अभी तक जो भी मैं बनाते जा रहा हूँ या बनाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।